नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। सुसाइड नहीं हत्या किया गया, टॉर्चर, जेल में बंद अनुज थापन के परिवार ने पुलिस पर उठाए सवाल। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में जेल में बंद एक आरोपी ने बाथरूम के अंदर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस पर आरोपी के परिवार और गांव वालों की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इसे हत्या बताया है। परिवार और गांव वालों ने पुलिस की लापरवाही पर भी सवाल उठाए। वहीं इस मामले में पुलिस की ओर से आजाद मैदान थाने में एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। मुंबई में एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में चार गिरफ्तारियां हुई थी। चारों आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया था, लेकिन चारों में एक आरोपी ने जेल के अंदर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक आरोपी अनुज थापन ने बुधवार को जेल के अंदर बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने दरी से फंदा बनाया था। वह पंजाब के फजलिका जिले के सुखचैन गांव का रहने वाला था। अनुज की मौत के बाद अब उसके परिवार और गांव वालों की प्रतिक्रिया आई है। मृतक अनुज के भाई अभिषेक थापन ने बताया कि वह गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा भाई अनुज ट्रक कंडक्टर था। उसने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसका कत्ल कर दिया गया। मैं उसके लिए इंसाफ की मांग करता हूं। वहीं मृतक के मामा रजनीश का कहना है कि हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर अनुज ऐसे कैसे सुसाइड कर सकता है, जरूर कुछ गड़बड़ है। ये नॉर्मल मौत नहीं बल्कि हत्या है। इसमें पुलिस की लापरवाही साफ नजर आ रही है। अगर जेल में पुलिस तैनात होती है तो ऐसे में अनुज कैसे ये कदम उठा सकता है। उन्होंने कहा कि अनुज की मौत की जांच होनी चाहिए। ऐसे मेरे भांजे ने सुसाइड नहीं किया है बल्कि उसका कत्ल पुलिस कस्टडी में किया गया है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।